हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज मैं आपको लीवर के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है, यानी हमारे बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है उसे लीवर कहते हैं। और इसका जो वजन होता है या इसके वेट की बात करें तो ये लगभग होता है 1.4 kg। ठीक है, ये 1.4 kg का इसका जो है इसका वेट होता है। इसके कलर की हम बात करते हैं तो इसका जो कलर होता है वो थोड़ा गहरा लाल या भूरे से रंग का जो है होता है। और ये हमारे होता है कहाँ पर, ये जो हमारी उधर गुहा होती है उसके राइट साइड में, और जो डायफ्राम होता है उसके नीचे जो है, ये उससे नीचे जो है सटा हुआ होता है। इसमें जो दो चैम्बर होते हैं, एक होता है राइट चैम्बर, एक होता है लेफ्ट चैम्बर। तो जो राइट चैम्बर है वो लेफ्ट की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। और लीवर के नीचे की ओर एक नाशपाती के आकार की थैली होती है जिसे हम कहते हैं पित्ताशय। और अगर हम इसे सामने से देखते हैं तो यकृत हमें त्रिकोणाकार का जो है दिखाई पड़ता है। जो हमारा पूरे लीवर की बात करें तो ये अनेक जो है कई चैम्बर्स में जो है ये डिवाइड होता है, जिसे हम कहते हैं खंडिका। और ये लीवर जो है वो सेल्स से बने हुए होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो वर्क करती है। और लीवर के जो निचला वाला पार्ट होता है उससे बहुत सारी जो है नलिकाएं निकलती हैं। इसमें से कुछ नलिकाएं जो हैं वो प्रविष्ट होती हैं, जैसे इनमें होती है हेपेटिक वाहिनी, हेपेटिक धमनी, पोर्टल सिरा और हेपेटिक सिरा, जो कि कुछ प्रमुख सिराएं होती हैं या नलिकाएं। इनमें से जो पहली हमारी हेपेटिक वाहिनी होती है ये जो है लीवर से निकलती है, और क्या लेकर के निकलती है, ये पित्त लेकर के निकलती है। और इससे आगे चलकर वह क्या करती है, एक शाखा निकलती है जो पित्ताशय में जाकर के मिल जाती है। और पित्ताशय में जो है पित्त जो होता है वो एकत्रित रहता है या इकट्ठा रहता है। इसके बाद हेपेटिक वाहिनी की जो मुख्य शाखा है वह अग्नाशय वाहिनी के साथ मिलकर ड्यूडेनम जो होता है उसमें जाकर के ये खुलती है। इसके बाद दूसरी होती है हेपेटिक धमनी, ये जो महाधमनी है, और मतलब महाधमनी का अर्थ होता है ये जो सबसे बड़ी वाली जो है वो धमनी होती है, जो कि एक शाखा होती है जो शुद्ध रक्त को यकृत में जो है या लीवर में जो है वो पहुंचाती है, जिससे लीवर जो सेल्स को जो है ब्लड जो होता है वो मिलता रहता है। इसके बाद होती है हमारी पोर्टल सिरा, ये आमाशय, आंत, अग्नाशय या प्लीहा, इस जगह से जो है रक्त को या ब्लड को जो है लीवर में लौटा कर लाती है। और यह जो है लीवर में पहुंचकर अनेक जो सेल्स होती हैं उनमें डिवाइड हो जाती है, और ये सेल्स फिर आपस में मिलकर के हेपेटिक सिरा बनाती है जो अधो महाशिरा में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद जो फोर्थ है वो है हेपेटिक सिरा, इसके द्वारा जो है लीवर में आया ब्लड जो है महाशिरा में जो है लौटता है। इस प्रकार से हेपेटिक जो सिरा होती है वो पोर्टल सिरा या हेपेटिक वाहिनी द्वारा लाए गए ब्लड को लीवर से बाहर निकालती है और फिर से अधो महाशिरा में जो है ये मिल जाती है। इस प्रकार से अशुद्ध रक्त जो है यकृत या लीवर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसके कार्य की बात करते हैं तो यकृत का जो सबसे पहला या मुख्य कार्य है वो होता है पित्त जो स्राव। तो यकृत की जो सेल्स या लीवर सेल्स में जो है पित्त बनता है, जो पाचन या डाइजेशन के दौरान निरंतर जो है स्रावित होता रहता है। और पित्त गाढ़ा पीला या हरा या क्षारीय जो है एक तरीके का एक द्रव पदार्थ होता है, और जो पाचन या डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इसके स्वाद की बात करते हैं तो ये काफ़ी कड़वा होता है, और इसमें 91% वाटर और जो बाकी बचता है उसमें अकार्बनिक लवण या सिलेस्मिक झिल्ली पित्त लवण वगैरह जो है, वसा के समान जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे लैमिथिन वगैरह है एंड कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें जो है इसमें रहती हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा काम होता है वो होता है यूरिया का निर्माण करना। जो हमारा लीवर होता है उसमें यूरिया या यूरिक अम्ल जो है बनता है, और जब शरीर को अनुपयुक्त अमीनो अम्ल या पोर्टल सिरा द्वारा कहा जाए तो लीवर में ये पहुंचते हैं, और तब वहां रक्त का जो है संपर्क यकृत कोशिकाओं से होता है, और एक क्रिया द्वारा जो अमीनो एसिड होता है उसका नाइट्रोजन अलग हो जाता है
और ये अमोनिया यूरिया में जो है बदल जाता है। इसके बाद तीसरा इसका जो मुख्य कार्य है वो है विस्मारण क्रिया। इसका काम ये होता है कि ये जीवाणुओं और रसायनों से जो केमिकल से जो कई प्रकार उत्पन्न कई प्रकार के जो हैं विष जो है उनको नष्ट कर देता है और विषाक्त पदार्थों को मल मूत्र द्वारा शरीर से बाहर जो है इसको निकाल देना, ये काम भी जो है ये लीवर द्वारा संभव होता है। इसके बाद इसका एक काम होता है ग्लाइकोजन का निर्माण या संग्रह। तो ग्लाइकोजन मीन कि जब आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड चीज तो वो लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तब ये ग्लूकोज जो है डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है। लेकिन क्या होता है जितने ग्लूकोज का यूज होना होता है उतना हो जाता है, लेकिन जो शेष ग्लूकोज जो कि बचा होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में जो है संग्रहित हो जाता है। और जब हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है जिस टाइम हम नहीं ले रहे होते हैं और काम करना होता है एनर्जी चाहिए होती है तब यही ग्लाइकोजन वापस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी देता है। इस तरीके से ये जो है ग्लाइकोजन का निर्माण भी करता है और साथ साथ में यहाँ पे ग्लाइकोजन का संग्रहण भी लीवर में जो है होता है। इसके बाद हेपेरिन निर्माण, रक्त द्वारा यकृत में जो हेपेरिन का निर्माण किया जाता है और इससे क्या होता है कि जिससे ये रक्त जो है वो जमता नहीं है। फाइब्रिनोजन बनाना, यकृत में जो है फाइब्रिनोजन बनता है जिससे रक्त का थक्का बनता है, क्योंकि अगर फाइब्रिनोजन का निर्माण नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और जब ब्लड अगर आपका कहीं कट लग जाता है और ब्लड बहता है तो वो बहता ही रहेगा, इसलिए ब्लड के जमाने के लिए ये एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो होता है जिसको कि ये बनाता है। इसके बाद होता है संग्रहण करना, तो यकृत में रक्त हुआ, विटामिन ए डी बी, रक्त प्लाज्मा हुआ, प्रोटीन, ठीक है, आयन, ग्लाइकोजन और फैट, इन सब का जो है संग्रह भी ये करता है। तो इस तरीके से अनेक पदार्थों का संग्रह भी ये करता है। इसके बाद शरीर का तापमान जो है बनाए रखने का काम भी जो है इसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि यकृत में जो है मेटाबॉलिज्म क्रियाएँ होती रहती हैं जिसके क्या होता है जिसके परिणाम स्वरूप यकृत में अन्य अंगों में जो रक्त जाता है उससे गर्मी जो है बढ़ जाती है, इस तरह से शरीर का तापमान जो है वो बना हुआ रहता है। इसके बाद आता है मृत लाल रक्त कणों को अलग करने का काम भी जो है यही हीमोग्लोबिन में क्या करता है कि यकृत जो है मृत जो आरबीसीज होती हैं उनको रक्त से अलग कर देता है तथा उससे निकलने वाले हीमोग्लोबिन को डिवाइड करके उसे आयन को अपने में संचित कर लेता है। इसके बाद लास्ट आपका ये जो बचता है रक्तहीनता को दूर करना, तो यकृत जो है रक्तहीनता दूर करने वाला एक विशिष्ट पदार्थ बनाता है और ये रक्त से पित्तरुण या बिलुरुबिन को भी जो है हटा देता है। तो इस तरीके से ये यकृत के कुछ कार्य थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके बारे में जो है आपको डिटेल में बता दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो श्वसन तंत्र जो आपका होता है, ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।